हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड सेकेंड ईयर सीपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं। तो इसी से संबंधित सबसे पहले हम सीवी गुड के अनुसार दी गई एक परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्ति की समग्र सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं, व्यक्ति की संवेगात्मक व्यक्तिनिष्ठ तथा मानसिक जीवन, उसका व्यवहार, वातावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, व्यक्ति की विशेषताएं जिन्हें चारित्रिक विशेषताएं भी कहा जाता है, या फिर ये कहें द टोटल साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिएक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल सिंथेसिस of his subjective, emotional and mental life, his behavior and his reactions to the environment, the unique or individual traits of a person are connoted to a lesser degree by personality than by the term character. C.V. Good. इसी के संबंध में आगे देखते हैं, इससे निकला हुआ अर्थ यानी कि व्यक्तित्व विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द सामान्य व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में किया जाता है। व्यक्ति के तत्वों से आशय है व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने तथा उसे स्थायी रूप देने में जो तत्व काम आते हैं उन सभी का योग तथा परिणाम व्यक्ति की समग्र छवि के विषय में एक धारणा प्रस्तुत करता है। यही धारणा व्यक्तित्व कहलाती है। व्यक्ति अच्छा है अथवा बुरा, उत्तम व्यवहार वाला है या सामान्य, प्रभावशाली है या फिर निष्प्रभावी, ये सारे तत्व व्यक्ति के अमूर्त रूप को प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विषय में धारणा बनाता है। खास बात यह है कि व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व के विषय में कभी धारणा नहीं बनाता। जब भी बनाने का प्रयास करता है वह वट जाता है और खंडित हो जाता है। ये हम अपने आप पर एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे जब कई सारे मित्र होते हैं सब, राम का ऐसा व्यक्तित्व है, श्याम का ऐसा व्यक्तित्व है, या दूसरा कोई नाम ले लिया उसका ऐसा व्यक्तित्व है, ये बना लेते हैं उसके बारे में, वह अच्छा व्यक्ति है, वह बुरा व्यक्ति है, उसका उत्तम व्यवहार है अथवा उसका व्यवहार सामान्य नहीं है, इस प्रकार का हम व्यक्तित्व से जो उसके व्यक्तित्व से उसकी पहचान बना लेते हैं। लेकिन ऐसा हम अपने बारे में नहीं करते हैं। इसी के अनुसार हम देखेंगे डेफिनेशन जो कि ड्राइवर महोदय ने दी है। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जरूर महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में करता है। पर्सनैलिटी इज ए टर्म यूज फॉर द इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल एज ही मैनिफेस्ट इट सेल्फ टू अदर पीपल इन द गिव एंड टेक ऑफ सोशल लाइफ। इन सभी तथ्यों के आधार पर व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। अधिगम एवं अभिवृद्धि, लर्निंग एंड ग्रोथ, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का उसकी उन क्रियाओं से पता चलता है जिनको वह अपने व्यक्तित्व के लिए सीखता है। गतिशील, क्रियाशील, उद्यमी, भूखा तथा अन्य किसी प्रकार इसी प्रकार की विशेषताएं व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जितनी क्षमता उस व्यक्ति के अंदर होती है और उसी के अनुसार उनको ग्रहण करता है। शिशु आरंभ से ही परिपक्वता की ओर विकसित होता है। आयु के विकास के साथ साथ उसके शरीर के अनेक अंग विकसित होते हैं। इनका विकास तथा अभिवृद्धि उनमें पुष्टता प्रदान करता है।
इसी कारण से किसी कार्य को सीखते हैं तथा सीखने की गति भी इसी पर निर्भर करती है। अभिवृद्धि तथा अधिगम ग्रोथ एंड लर्निंग किसी भी बालक के विकास की डेवलपमेंट की अन्योन्याश्रित अवस्था है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है। अभिवृद्धि न होने से अधिगम प्रभावित होता है। अधिगम में शिथिलता बालक की अभिवृद्धि को प्रभावित करती है। अधिगम से यानी कि सीखने से व्यवहार में बिहेवियर में परिवर्तन होता है। अनुभव उपयोग तथा अभ्यास से अधिगम को सफलता मिल जाती है। आयु स्तर के अनुसार अभिवृद्धि ना होने से बालक या किसी भी बालक का व्यक्तित्व विकृत या दूषित होने लगता है। वह धीमी गति से सीखने वाला हो जाता है और उसके व्यक्तित्व में चेतना का अभाव पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है अधिगम एवं परिपक्वता। बालक के व्यक्तित्व की यह अवस्था परिपक्वता पर निर्भर करती है, यानी कि जो मैच्योरिटी है उस पर निर्भर करती है। आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक परिपक्वता आती है और ये परिपक्वता उसकी यानी कि अधिगम की प्रकृति को प्रभावित करती है, यानी कि जो अधिगम की प्रकृति है, नेचर है, उस पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अब हम देखेंगे विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाओं के दौरान व्यक्तित्व का विकास उसकी प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राणी में विकास प्रक्रिया का निश्चित समय होता है। इन सभी आधारों पर इन जो विकास के तत्व हैं की विवेचना की जा सकती है। जो अवस्थाएं हैं इस प्रकार से हैं। इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत कहा गया है कि शरीर का संगठित एवं संतुलित अनुपात रचना तथा आकार को व्यक्तित्व की आरंभिक अवस्था माना जाता है। नाटे व्यक्ति का एक तरह से लोग हड्डी बनाने लगते हैं और ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति कुंठित हो जाता है। ये स्थिति लंबे व्यक्ति की भी होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर की विभिन्न विशेषताएं प्रकट होने लगती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके शारीरिक विकास के अनुसार विकसित होने लगता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे जो है व्यक्तित्व एक तरह से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास अलग प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में अलग प्रकार से होता है तथा किशोरावस्था में अलग प्रकार से होता है। और किरो एवं किरो ने शैशव अवस्था में शारीरिक विकास जो बताया है, उन्होंने कहा है भार में वृद्धि, यानी कि जन्म के समय और पूरी शैशव अवस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पौंड यानी कि 7.15 पौंड एवं और बालिका का भार लगभग 7.13 पौंड होता है। पहले 6 माह में जो है शिशु का भार दोगुना और 1 महीने या 1 वर्ष, हाँ 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में शिशु का भार केवल 1/2 पौंड प्रति मास के हिसाब से बढ़ता जाता है और 5वें वर्ष के अंत में 38 एवं 43 पौंड के बीच में होता है। लंबाई जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है। अगले 3 या 4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। सिर व मस्तिष्क नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में बहुत तीव्र गति से बढ़ता है पर इसके बाद गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है और शरीर के भार के अनुपात में आधे होता है। ये भार 2 वर्ष में दोगुना और 5 वर्ष में शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है। हड्डियाँ नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 270 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी कोमल लचीली और भली प्रकार जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ये कैल्शियम फास्फेट और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से ये हेल्प से दिन प्रतिदिन कड़ी होती चली जाती हैं, यानी कि इनमें कठोरता आती चली जाती है। इस प्रक्रिया को अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहा जाता है।
बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की गति तीव्र होती है। दांत छठे माह में शिशु के अस्थाई या दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और उसके बाद जो है सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और एक वर्ष की आयु तक उसकी संख्या 8 हो जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों में भी विकास होता है। विकास का क्या महत्व है? 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन आरंभ हो जाता है। इसके शरीर के लगभग सब अंग कार्य करने लगते हैं और उसके हाथ एवं पैर मजबूत हो जाते हैं। फलस्वरूप जैसा कि स्टैन महोदय ने लिखा है, शिशु अपने नैतिक गृह कार्यों में लगभग लगभग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। 5 वर्ष के अंत तक अनेक शिशु पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। अब देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, इसमें भी भार में वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक हो जाता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना जो है आरंभ हो जाता है। लंबाई 6 या 12 वर्ष तक शरीर की लंबाई कम पड़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई लगभग 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। सिर या मस्तिष्क बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। 5 वर्ष की आयु में सिर का आकार का 90% और 10 वर्ष की आयु में 95% होता है। हड्डियां, इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। दांत, लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के दूध के दांत गिरने और उसके बजाय स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। अन्य अंगों में भी वृद्धि होने लगती है। इसमें विकास का क्या महत्व है? देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। फलस्वरूप ये अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण करना जान जाता है, अपने सभी कार्य स्वयं करने लगता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास इस प्रकार से होता है। भार किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से जो है अधिक बढ़ता है। लंबाई, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। सिर और मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 और 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो गया होता है। दांत स्थायी निकल चुके होते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अन्य अंगों में वृद्धि होती है। इसमें विकास का क्या महत्व है? देखते हैं, किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में जो है परिपक्वता आ जाती है। इस प्रकार से किशोरावस्था में संपूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संवेगात्मक विकास की अवस्था स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट तथा सामाजिक विकास की अवस्था स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।